हेलो साथियों, जय हिंद जय भारत। आप कैसे हैं? आशा करता हूं इंटरव्यू की तैयारी आपकी अच्छी और बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निशांत शेखर सिंह आप सभी के सहयोग के लिए तत्पर हूं। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको क्या पहन के जाना है और किस प्रकार से आपका बिहेवियर होना चाहिए इंटरव्यू में, उस पर चर्चा हुई थी। उसमें कुछ लोगों के सुझाव भी आए थे और कुछ लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है। तो मित्र, अभी हम इंटरव्यू के इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में, पहले हम आपको इंटरव्यू के लिए तैयार तो कर दें कि इंटरव्यू के लिए आप तैयार कैसे होंगे, फिर डॉक्यूमेंट की भी बात कर लेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन पहले आपको इंटरव्यू क्या नहीं करना है, क्या करना है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जिस दिन आपको ये पता लग गया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस दिन से आप जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे इंटरव्यू देने के तौर पर खुद को जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में सलाह दिया था कि आप अपने जो दोस्त हैं, जो ग्रुप के लोग हैं, उनसे बैठिए और जो भी प्रश्न हैं अभी आपके मन में जो भी बनते हैं उनसे आप कम से कम अपना परिचय दीजिए। जैसे मेरा नाम निशांत शेखर सिंह है, जो भी परिचय उसमें है, मेरा जिला अम्बेडकर नगर है, गाँव, ये सब चीज़ें आप अपना परिचय दीजिए पहले, पिन कोड, फिर उसके बाद आपके ज़िले में क्या अच्छी चीज़ है उसके विषय में बताइए। मैंने पिछली वीडियो में ऐसी बातें बताई थी आपको, ये सब आप किसी को बताइए, मतलब बोलने का पहले प्रयास करिए, है ना। आज मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूंगा आपकी कि क्या कैसे आप बोलेंगे, क्या चीज़ें करनी हैं आपको। जैसे कुछ लोग परेशान थे कि आबकारी में जो इंटरव्यू है इसका क्या रोल होने वाला है, तो मित्र आबकारी सिपाही में जो इंटरव्यू के लिए कुल 20 अंक निर्धारित किए गए हैं, यह अति महत्वपूर्ण भूमिका में है। अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो 60 अंक निर्धारित है उसके अनुरूप ये बहुत कम अंक है। कहाँ 60 अंक, 1/3 है ये। लेकिन मित्र, आपके अंतिम चयन में इंटरव्यू के अंकों की विशेष भूमिका रहेगी, यह आप ध्यान दीजिए। पहले तो उन सभी को बधाई जो 50 प्लस नंबर पाए हैं, और जो 40 प्लस नंबर पाए हैं उनके लिए विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि आप सभी इस पर ध्यान दीजिए। 50 प्लस वाले भी ध्यान दें, वो अगर कम ध्यान देंगे तो उनका चल जाएगा, लेकिन विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबको है। क्योंकि मित्र, मैं आपको बताऊं कि मैं एक नंबर छटा हूं वीडियो वाले में, जितना मेरिट गई है उतना मेरा नंबर भी था, लेकिन मेरा सिलेक्शन केवल इसी वजह से नहीं हो पाया कि उस वक्त मेरी उम्र कम थी और उम्र की वरीयता दी जाती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जागरूक रहिए, एक एक नंबर के लिए संघर्ष करिए, क्योंकि एक नंबर आपको बहुत साल पीछे ले जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। इंटरव्यू से जुड़े अन्य पहलू क्या क्या हैं, जैसे जिन पहलुओं पे हमने चर्चा कर ली वो तो ठीक है। अब जो प्रश्न आए थे आपके कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, उस पर हल्की सी चर्चा करेंगे। देखिए, इंटरव्यू में बोर्ड की संरचना क्या होती है, बोर्ड की संरचना इन द सेंस क्या होता है कि इंटरव्यू के बोर्ड पैनल में कितने लोग बैठते हैं। ये IAS का इंटरव्यू नहीं कि 5-7 लोग बैठेंगे, है ना, 4 लोग बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें एक अध्यक्ष सहित 2 सदस्य और पैनल कई 2-3 निर्धारित किए जाते हैं। इसमें एक अध्यक्ष वाला होता है, एक सदस्यों को होता है, उसमें जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनकी नेतृत्व में होता है। जैसे पिछली बार जो हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे तो एक अध्यक्ष जी का था, एक श्रीवास्तव थी मैम उनका था, 2 ऑफिस बने हुए थे, दोनों में इंटरव्यू चल रहा था। एक वाला वही जहाँ हम लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, वहाँ पे उसी के जस्ट पीछे चल रहा था और एक बगल में जाने के बाद चल रहा था, है ना। तो मैं हर चीज़ आपको वहाँ की वीडियो भी दिखा दूंगा कभी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड की संरचना मित्र, यहाँ पे मुश्किल से आपके 3 सदस्य होंगे, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, ठीक है। आप देखिए, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा, जब वहीं पंचम तल पे ही होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ आपको बैठाया जाएगा और नंबर जो आपके रोल नंबर है उनके अनुसार आपको सूचित किया जाएगा और आप आएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब इंटरव्यू शुरू होगा तो उससे पहले एक फॉर्मेट आएगा जिसमें आपको अपनी जो भी योग्यता है, जैसे आप हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, LLB, BEd जो भी आप किए हैं उसमें आप इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद जब इंक्लूड कर देंगे, आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखना पड़ता है रिटन फॉर्म में, और वो फॉर्म आप फिलअप करते हैं। तो जब इंटरव्यू पैनल बैठता है तो उस वहाँ पे कहीं ना कहीं वो फॉर्म आपका पहुँचता है ना। तो इंटरव्यू में बोर्ड की जो संरचना होती है वो इसी प्रकार से होती है। सारी चीज़ पर चर्चा करेंगे। मेरे अभी 720 सब्सक्राइबर हैं, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सभी को इंटरव्यू की तैयारी करवाऊँगा। आप सभी के प्रयास से ही संभव है।
और उसमें सारे जो प्रश्न होंगे आपके लिए जाएंगे। अभी तो जो मेरे मन मुताबिक प्रश्न आते हैं कि भाई आपके लिए क्या ज़रूरी है, उस वक्त मेरे लिए क्या ज़रूरी था, तो ये चीज़ें हैं। जैसे उस वक्त मुझे नहीं पता था, जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो वन रक्षक के लिए था, है ना, दूसरा लोअर के लिए था और तीसरा हमारा वीडियो के लिए था। तो ये तीन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो अब ये दिक्कत होती है कि भाई इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश कैसे करें। तो मित्र एक बात जान लीजिए, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको वहाँ से उठा के एक दूसरे स्थान पर बैठाया जाएगा। फिर वहाँ जब आपका नंबर आएगा तो आपको जो जहाँ पे आपका इंटरव्यू है उससे बाहर सीट लगी होती है, वहीं बैठना रहता है आपको। फिर वहाँ से एक चपरासी बुलाएगा आपको। तो आप प्रयास करिए, जैसे चपरासी कभी कभी नहीं रहता है, तो जब भी आप दरवाजे को पुश करिए, धकेलिए या अपनी तरफ खींचिए, तो जब आप प्रवेश करिए तो मे आई कम इन का प्रयोग जरूर करिए। अगर मे आई कम इन का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो इंटरव्यूअर को लगता है कि आप ऐसे देसी टाइप के चले आ धड़ल्ले से। तो आप मे आई कम इन सर, या जो भी आपकी अगर अध्यक्ष अध्यक्षा जी हैं, मैम हैं, तो मे आई कम इन मैम, या अगर उनको आप सर बोल दिए तो सर मैडम बोल दीजिए, है ना, ये चीज़ें होती हैं। मैडम सर बोल दीजिए, मतलब यदि मैडम है तो आप मैडम सर बोल लीजिए। अगर इंटरव्यू पैनल में आपके वो हैं तो अगर आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप मैडम सर का ही उच्चारण करिए, है ना, मैडम जी, मैडम जी, मैडम, ये थोड़ा उस टाइप को, तो मजी मैडम सर, तो आप इस प्रकार का उच्चारण करिए। जैसे अगर आपके जो इंटरव्यू पैनल है उसमें मान लीजिए सारे मेल सदस्य हैं, सारे पुरुष सदस्य हैं, तो आपको सर सर चूँकि आदत पड़ी हुई है हम लोगों को सर कहने की, मैडम कहने की आदत नहीं है, मैम कहने की आदत नहीं है, तो कहीं ना कहीं सर मैडम आप बोलेंगे ना, तो वो चीज़ें उनको थोड़ा इफेक्ट डालती हैं। और उसके बाद बैठने का सही तरीका क्या होता है मित्र, पहले तो आप ये जान लीजिए। जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, पूरा टेक, चूँकि वहाँ अच्छी कुर्सी लगी रहती है आपके बैठने के लिए, तो ये नहीं कि पूरा टेक पीछे लेके बैठ जाइए आप, है ना, पूरा टेक पीछे लेके नहीं बैठना, आपको एकदम आगे झुक के नहीं, एकदम स्ट्रेट बैठना है, ताकि बहुत कंफर्टेबल टाइप का, ये नहीं कि आप एकदम उनको ये अपना एक्सप्रेशन, मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कहीं से भी अति नहीं करनी है। जैसे ये नहीं कि आप उनको दिखाइए कि आप बहुत डरे सहमे हैं, इस प्रकार के से कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल एकदम फाइनली जाना है। बस ये आपके मूड में हो कि मैं इनके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, जो नहीं आएगा सॉरी बोलूंगा, हाँ काम खत्म। और उसमें भी कॉन्फिडेंस मेरा झलकना चाहिए, अगर मैं सॉरी बोलता हूँ तो उसमें भी कॉन्फिडेंस। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके नंबर पर पड़ने वाला रहेगा, तो आपको डरना नहीं है। जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग से पढ़ाऊंगा आपको, अब वो चीज़ें तभी जब वही 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी संभव है, तो मैं हाँ जितनी चीज़ें सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, वो आप प्रयास करके 1000 सब्सक्राइबर करवाएंगे तो ठीक रहे, तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू की शुरुआत कैसे होती है, जैसे पहली शुरुआत क्या होती है, आपका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए आपका नाम, मैं अपने नाम से शुरू करता हूँ, मेरा नाम निशांत शेखर, जो मुझसे प्रश्न पूछा गया वो मैं बताता हूँ आपको। तो उन्होंने मुझसे पूछा अपना परिचय दीजिए, तो मैंने बताया कि मैं निशांत शेखर सिंह। तो उसके बाद जो भी मेरे परिचय था, ग्राम बायड़ी सिकंदर, जो भी मतलब उसमें था, मैंने पूरा उसमें बताया जिला अपना और अपना जो है। तो उन्होंने पूछा क्या करते हैं इस वक्त, ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न होता है मित्र, क्या करते हैं इस वक्त। और कहीं ना कहीं इसमें लोग कभी कभी कुछ लोग लोहा काटते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम जॉब करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ और करते हैं। तो मित्र आप जो भी बताइए, जैसे उस वक्त मेरा लॉ से ग्रेजुएशन चल रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो मैंने वो बताया, तो फिर लॉ से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, वो सारी चीज़ें मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आप कभी इंटरव्यू पैनल से झूठ मत बोलिए, और झूठ बोलिए भी तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। उससे क्या मतलब है, जैसे आप मान लीजिए आपने बता दिया कि आप बिग बाज़ार में काम करते हैं, तो बिग बाज़ार में काम करते हैं तो कम से कम जो उसमें भले उनको जानकारी नहीं होती है, वो पूछते हैं कि भाई बिग बाज़ार में काम करते हैं तो ये वाला ब्रांड मिलता है कि नहीं मिलता, ये वाला ब्रांड कितने का, तो वहाँ कपड़े की पैकिंग किस प्रकार की होती है, ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यदि आप बोलिए मैं जोमेटो में काम करता हूँ, तो जोमेटो कंपनी हर चीज़ किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है आपका, किस प्रकार से आप काम करते हैं, किस बेसिस से आपको लाभ मिलता है, सारी चीज़ें वहाँ हड़बड़ाना नहीं है आपको। तो अब जब आप चीज़ें वास्तविक रूप में रखेंगे तो, और वहीं कहीं आप झूठ बोल दिए तो आप हड़बड़ा जाएंगे, जब आप हड़बड़ाएंगे तो उनको पता हो जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं और वो आपका नंबर काट देंगे। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के दौरान जो है ये सामान्य बातें होती हैं, जैसे आपसे जो भी आपका परिचय है पूछ लेंगे। जैसे मेरा जिला अम्बेडकर नगर है, तो मेरे ज़िले में जो है गोविंद साहब का मंदिर है ना, तो बड़ा फेमस मंदिर है, और जैसे क्या है दरगाह शरीफ है, तो अब वहाँ से क्या है, अब वहाँ से प्रश्न हो सकता हमसे पूछ लें, पूछे भी थे गोविंद साहब मेले को लेकर के, हमसे क्या प्रश्न पूछा गया, तो गोविंद साहब मेला किस माह में लगता है, किस वक्त लगता है ना, इसकी
जो केंद्रीय समिति होती है वो किसके अनुसार काम करती है, डीएम के अनुसार? मतलब वो तो नहीं देंगे ऑप्शन, तो आप बताएंगे डीएम के अनुसार। जिस प्रकार से जैसे आप प्रतापगढ़ के हैं तो आप आंवला के बारे में जानिए, जैसे आप मेरठ के हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसी जिले से सहारनपुर के हैं तो आप वहाँ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ जानिए, जैसे आप आगरा के हैं लाल के जो वहाँ पे ताजमहल है उसके विषय में जानिए, जो आप दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र के तो आप ताजमहल के जो है लाल किले के विषय में जानिए, जो भी चीज़ें हैं। यदि आपके यहाँ गन्ना ज़्यादा हो तो गन्ने के विषय में आप जानिए। वो चीज़ें कहीं ना कहीं शुरुआती दौर की होती हैं, उसके बाद तो इंटरव्यू जो भी 3 से 4 मिनट के चलने वाला है फिर उससे आपसे जो स्टडी जो आप किए हैं उसके अनुसार प्रश्न पूछते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट आपके प्रश्नों के जवाब से वो प्रभावित हुए तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और वो आपसे प्रश्न पूछते जाते हैं। ये जो दौर 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक भी चल सकता है, और वो अगर वो चला तो मित्र मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग जुगाड़ लगाएंगे, हमको तो नहीं लगता जुगाड़ लग पाएगा इसमें, लेकिन जो लोग इस कॉन्फ्रेंस से मैंने जुगाड़ लगाया है मेरा सबसे अच्छा नंबर आएगा, तो मित्र मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं कि आपका सबसे बढ़िया नंबर आएगा यदि आपने इंटरव्यू पैनल को प्रभावित कर दिया। और ये प्रभावित आप तभी कर पाएंगे जब आप उनके सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएं, आप उनके अगर 30 से 35% प्रश्नों का भी सही जवाब देते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हितकर होगा। अब देखिए इतना हो गया, अब इंटरव्यू कक्ष के बाहर कैसे निकले? अब इतना होने के बाद आप एक फाइल लेके जाते हैं जो डॉक्यूमेंट वाली। अब क्या होता है जब वहाँ पे नहीं, आदमी हो सकता निराश हो जाए या हो सकता बहुत अच्छा हो, तो आप कभी भी बाहर निकलिए ना मित्र। तो जैसे आप मान लीजिए किसी से मिलने हैं, किसी बड़े से, तो आप कैसे क्या करते हैं, आप उनका पैर छूते हैं ना, लेकिन वहाँ पे तो पैर छूना सिस्टम होगा नहीं। आप अभिवादन कर सकते हैं थैंक यू बोल करके, है ना, सादर धन्यवाद बोल करके आप कर सकते हैं, लेकिन थैंक यू वर्ड थोड़ा क्या होता है सुनने में अच्छा होता है, तो थैंक यू सर तो ये नहीं कि अब तीनों लोग, तो आप बस अपना सर झुकाइए हल्का सा, उनको लगे कि हाँ ठीक है सम्मान दे रहे, तो आप हल्का सा करिए और उसके बाद निकलिए, तो आपको एक एवरेज नंबर जो 11-12 नंबर वो मिल जाता है ना। तो ये भी अब क्या गलती अधिकतर लोग करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं पहली बार जब गया था तो मैंने क्या किया, मैं फाइल रखा था जो भी प्रश्न पूछा गया वो बताए हम, लेकिन उसके बाद हम जब हमको निकलना तो हम सीधे फाइल उठाए और जो है रफु चक्कर हो लिए वहाँ से निकल लिए, है ना। मुझको उस इंटरव्यू में मात्र और मात्र 8 नंबर मिले थे जिसमें मैंने प्रश्न का सही अधिकतर प्रश्न का जवाब दिया था, लेकिन मुझे मात्र 8 नंबर मिले थे क्योंकि मैं प्रभावशाली ढंग से खुद को प्रस्तुत नहीं कर पाया था। तो ये चीज़ें होती हैं मित्र, आप इन सब चीज़ों के लिए जो है अपने कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में अभी से बना लीजिए, 1 महीने का टाइम है, ये आप पर डे कर सकते हैं, है ना। आप अभी से जो गाली गलौज वाली चीज़ें हैं जो आपकी हर बात में कहीं ना कहीं गलत शब्द निकलते हैं उस पर ध्यान दीजिए, उनको रोकने का प्रयास करिए। प्रयास ये करिए कि आप हिंदी में बात करें या इंग्लिश में, जब जिसमें बात करें आप, या संकर भाषा जिसे नहीं होता, हम लोग कुछ इंग्लिश बोलते हैं कुछ हिंदी बोलते हैं, आप उसमें भी बात कर सकते हैं मित्र। आप बात करेंगे बस ये है कि आपके बीच जो बात है उसमें सत्यता झलकनी चाहिए, आप कहीं से अनकंफर्टेबल फील ना करें, बस आपके कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से जो उपस्थिति वहाँ प्रभावशाली हो। तो आप किसी भाषा में बात करेंगे, ये नहीं कि आप सोचेंगे कि यार हिंदी इंग्लिश मिक्स बतिया रहे हैं तो जो है वो उनके सामने गलत दिख जाए, बिल्कुल नहीं जाएगा। वो आपके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, आपके दिए गए प्रश्नों के जो जवाब होते हैं उन्हें विश्वास खोजते हैं वो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, आप PCS और IAS का इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं। जैसे हम देखिए ये यूट्यूब पे वहाँ पे जिसे तैयारी से कर रहे हैं, जिसे मालूम पड़ रहा है PCS की तैयारी करवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से तैयारी नहीं करनी भाई। आपको जो है बस फॉर्मेलिटी अदा करनी है, और वो फॉर्मेलिटी आप अच्छे से अदा कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप, क्योंकि सबको वही करना है, आप जितने अच्छे से आप अदा कर सकते हैं वही आपके लिए नंबर गेन करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्र, धन्यवाद, जय श्री राम।